वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दोपहर से, और आज हम आ रखे हैं घूमने के लिए। और घूमने के लिए हम कहाँ आ रखे हैं? हम आ रखे हैं मसूरी। तो आज मेरे साथ जा रखे भैया, हम तो हमेशा ही जाते हैं, तो इस बार हम भैया के साथ आ रखे। भैया आ रखा था यहाँ पे देहरादून। तो आज दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। अभी हल्की हल्की धूप खिल चुकी है यहाँ पे। अब ऊपर मसूरी पे जाके पता लगेगा कि कितनी की ठंड है वहां पे। यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी वैसे तो। तो लवी कैसा आज, भीड़ लगी कि नहीं लगी? भीड़ तो नहीं है, बट चाय की कमी है। चाय की और पानी की ना? चाय की और पानी। लगता है बॉडी में पानी की कमी भी हो चुकी है और चाय की भी। पर लवी दो बार सुबह से चाय पी के आ चुके हैं। एक्चुअली इतने दिनों से बहुत ही हेक्टिक रहा है हमारा शेड्यूल, बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ और बहुत ही ज्यादा ट्रैवल, मेरा ट्रैवल हुआ है, मेरा भी तो शरीर टूटा पड़ा है और शरीर मांगता है हम अम्मलियों को चाय। तो जाते मसूरी में सबसे पहले चाय पियेंगे। मैं नहीं पीती, लवी पियेंगे। देखते हैं चाय पियेंगे, पानी तो चाहिए, पानी मस्त है। चाय पियेंगे फिर कॉफी भी। पानी इसलिए चाहिए बिकॉज पानी हाइड्रेट रखता है हमें, हमें डिहाइड्रेशन से रोकता है और एनर्जी भी देता है। और चाय इसलिए चाहिए इनको कि चाय इनको इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। चाय जैसे अमलियों को अफीम चाहिए वैसे हमें चाय चाहिए। तो चाय वहीं से पियेंगे जहाँ से हमेशा पीते हैं। तो रोप वे भी जाता है पता, वहीं से जो से कितने में पूछना इन लोगों से। शिवजी जी की वो नहीं बने, नहीं बना पाई इनको, मिलते ही नहीं है इनको कभी। शिव जी इस बार मेरे से सिर्फ मसूरी के शिव जी व्रत नहीं रखे ना तुमने इस बार। मैंने को एक साल हो गया। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मसूरी और उतना नहीं है रश, बट थोड़ा बहुत रहता है बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस पे आप लोगों को पता ही है वहाँ थोड़ा बहुत ठंड होगी। यहाँ ठंड में एक्चुअल में दिसंबर जनवरी में होती है प्रॉपर। प्लीज मेरी तक लेना, असोनी कुड़ी नच लेना, अभी भी मेरी नच लेना। तो गाइस ये है मसूरी, क्रिकेट ग्राउंड बच्चों का। तो देखो ये हम जा रहे हैं ऊंचाई पे, हाइट पे, और जितनी भी ऊंचाई पे जा रहे हैं उतनी भी ठंड बढ़ती जा रही है। ये देखो ये हम ये लालटी में ठंडा पड़ रहा है, ठंड हो रही है। क्या भी पड़ रही है तंदूर? तो गाइस ये है लालटी पर, लालटी पर हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन की ओर। बहुत ठंड हो रही है हाथों कसम से, यहाँ हो रही है ज्यादा ठंड। तो हमने सोचा हम यहाँ कहीं फोटो शूट भी करवाएंगे। तो गाइस ये बैठा हमारा ओरियो। ओए यहाँ इतना कोहरा हो रहा है। ओए ओए ने मेरे से खाई है अभी मार अच्छे से, और यहाँ पे कोहरा हो रहा तो करके अब ओरियो मेरे से बोल नहीं रहा है। ओरियो ओ मेरा बेटा आ जा। ओरियो ओरियो आज बोल नहीं रहा, ओरियो ने पिटाई खाई है मेरे से अभी अच्छे से। और ये बैठी मोटा सिंह मेरी वीडियो बनाते हैं। मैं अंदर से भी वीडियो बना रही हूँ, फिर तो लगे बाहर नहीं आ रहे कहीं से, तो लगे तो मैं वीडियो क्लिप भी बना के मैं आ जाता हूँ भैया। और ये सारा यहाँ पे अंग्रेज रहते थे। ये देखो ये नहीं विंडो नीचे करो, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है एरिया सारा। कैसे मसूरी को बसाया ही अंग्रेजों ने है। तो यहाँ का जो चर्च है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बट हम अंदर नहीं थे पर बाहर से देखा, बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से वैसे ही अंदर से है। अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। तो यहाँ पे भी इस मौसम में भी सीजन ऑफ में इतनी सारी भीड़ लग रखी है। आइस का तो ट्रेनिंग सेंटर नहीं था सुनता कौन सा सीजन ऑफ है यहाँ पे, हमें सर्दियों में सीजन ऑफ होगा पर
ऑफ तो नहीं लग रहा कहीं से भी। पकोड़े खाते हैं। अब हम ना वहाँ पे कहीं पे जाके रुकेंगे, पानी लेंगे और पानी के साथ साथ हम खाएंगे भुजिया एंड ब्रेड पकोड़े। पानी का बिस्कुट लेंगे। बिस्किट बिस्किट तो हमें ना बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है और यहाँ पे रोकने नहीं दे रहे क्योंकि बन रही है, तो हम आगे जाके कुछ खाएंगे पियेंगे और इंजॉय करेंगे। और सच में नींद भी बहुत आ रही है, दो दिन से भागा दौड़ी बहुत हो रही है और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। व्लॉग बना रही हूँ मैं, दैट्स इट। तुझे नहीं कर रहे? तो माही और भैया और जा रहे थे नीचे बुद्धा टेंपल में, अब हम जा रहे हैं सीधा दलाई हिल्स की ओर और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो वी आर हियर एट दलाई हिल्स, हम पहुँच गए हैं। लेट मी कम टू माई मदर लैंग्वेज। आप पहुँच गए हैं हम दलाई हिल्स पे। तो अभी थोड़ा सा कोहरा हो रखा है तो व्यू बहुत कम आ रहा है, नहीं तो बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ पे पहाड़ों का। एंड हम कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? सेकंड टाइम। मसूरी हम 4-5 बार आ चुके हैं बट सेकंड टाइम आए हैं दलाई हिल्स। तो इनकी फोटोज खींचते हैं और ये है गौतम बुद्ध। सो गाइस हम आए थे यहाँ पे दलाई हिल्स, आप लोगों को बताई गया, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। थोड़ा सा कम विजिबिलिटी थोड़ी कम है बिकॉज ऑफ फॉग, पर बहुत ही मस्त व्यू है। एंड वो देख रहे हो, वो है सामने मंदिर। मंदिर दिखाई दे रहा है किसी को? मंदिर दिखाई दे रहा है किसी को? कपड़े कपड़े करेगा।